के मुंह से बचा रिक्शा चालक। फाटक पार करते हुए आई ट्रेन, कूद कर बचाई जान। ट्रेन की चपेट में आकर रिक्शा बना कबाड़, महंगी पड़ी लापरवाही। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये कहावत अलीगढ़ के इस रिक्शा चालक पर एकदम सटीक बैठती है। रेलवे फाटक को जल्दी पार करना आज एक शख्स के लिए महंगा पड़ जाता। दरअसल हर रोज की तरह अलीगढ़ जंक्शन के पास गेट नंबर 110 को ट्रेन के आने से पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन एक रिक्शा चालक को इस फाटक को पार करने की इतनी जल्दी थी तो उसने बंद फाटक के नीचे से निकलकर रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश की। लेकिन तभी एक ट्रेन इतनी तेजी से आई कि रिक्शा चालक ने तो कूद कर अपनी जान बचा ली, पर रिक्शे का कचूमा निकल गया। हालांकि इस मामले में आरपीएफ ने रिक्शा चालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आसमान से काले धुएं का गुबार उड़ रहा है, लोगों में भगदड़ मची है। तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं, जहां प्रभा देवी इलाके में भीषण आग लग गई। आग बीएसटी सब स्टेशन में लगी थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सब स्टेशन धू धू करके जलने लगा। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग की भयानक लपटों को देखकर लोग भागने लगे। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। एहतियातन आसपास के मकानों को खाली कराया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पिछले कुछ सालों से मुंबई को फायर कैपिटल कहा जाने लगा है। गुरुवार को नवी मुंबई के तलोजा MIDC इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भी आग लग गई थी। सफेद कुर्ता पजामा और हाथों में लाठी, ये भले ही टोपी पहने हैं लेकिन इनके सिर पर तो खून सवार है। इनकी रौब और गुंडागर्दी तो देखिए, कैसे एक शख्स पर ताबड़तोड़ लाठी बरसा रहे हैं। ना कानून का भय है और ना ही दूसरों की जान की फिक्र। होगा भी कैसे नेताजी वाली पोशाक इन्होंने जो पहन रखी है। घटना महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की है। 20 सड़क पर दबंगई और गुंडागर्दी करने वाले शख्स का नाम आसिफ इनामदार है, जो औंढा के पार्षद हैं। आसिफ ने नेशनल हाईवे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल नेशनल हाईवे पर कुछ ही दूर पर श्मशान घाट है, जहां जाने के लिए मजदूरों ने रास्ता नहीं छोड़ा था। किसी ने पार्षद से इसकी शिकायत कर दी, फिर क्या था, पार्षद महोदय आ गए धौंस दिखाने। गुस्से में लाल आसिफ इनामदार मौके पर पहुंचे और मजदूरों को पीटने लगे। इस घटना में एक कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पार्षद के गुंडागर्दी की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना। बप्पा का विसर्जन भक्तों का उमड़ा सैलाब, यहाँ आस्था और भक्ति का सैलाब है। गणपति से लोगों का प्यार अपार है। भक्त नाच रहे हैं, झूल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मौका था गणपति की विदाई का। आस्था और प्यार से 10 दिनों तक बप्पा का पूजा अर्चन करने के बाद उनकी विदाई की गई। बप्पा की आस्था में भक्तों का जोश हाई है। सुरक्षा में तैनात इन जवानों को देखिए। बप्पा के प्यार में ये अपने आप को नहीं रोक पाए, भीड़ के साथ जमकर नाचने और झूमने लगे। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से आई हैं, जहां गणेश विसर्जन जुलूस में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जुलूस के दौरान सुरक्षा में लगे जवान भी डांस करते नजर आए। पहले घर के अंदर घुसकर मारपीट की, फिर पकड़कर घर से बाहर लाया और सरेआम धुनाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई युवकों ने एक घर पर धावा बोल दिया और अचानक मारपीट की। घटना दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। मामला मकान की खरीद फरोख्त का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के राकेश मार्ग में रहने वाले प्रशांत दिवाकर के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल प्रशांत दिवाकर ने कुणाल शर्मा को 26 लाख में अपना मकान बेचा था।
कुणाल शर्मा ने रजिस्ट्री कराने के बाद महज 9 लाख रुपए का भुगतान किया। राकेश का आरोप है कि बार बार मांगने पर भी कुणाल बाकी पैसे का भुगतान नहीं कर रहा था। ऐसे में प्रशांत को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि केस वापस कराने के लिए कुणाल लगातार दबाव डाल रहा था, फिर अचानक कुछ गुंडों के साथ घर पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। यहाँ कुदरत का क्रोध है, यहाँ आसमानी आफत से हाहाकार मचा है, यहाँ पानी और कीचड़ का सैलाब है। सैलाब में कई मकान बह गए। कुदरत के गुस्से से लोगों में खौफ है। हर तरफ बर्बादी और तबाही का नजारा है। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बादल फटने से लास्को नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ों से पानी और मलबा तेजी से नीचे आने लगा। सैलाब के रास्ते में जो भी आया तिनके की तरह बह गया। तस्वीरें धारचूला के खोतीला गांव की हैं। यहां आधी रात में कुदरत ने जमकर तांडव मचाया है। ग्वाल गांव और धारचूला मल्ली बाजार में घरों में पानी घुस गया। प्रशासन के मुताबिक करीब 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए। राहत और बचाव का काम जारी है। ITBP को भी राहत काम में लगाया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बीते दिनों भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।